ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। हम लोग देख रहे थे हमारे ज्योग्राफी की क्लासेस इन प्रीलिम्स लॉकडाउन सीरीज। तो इसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा हुआ था एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड सारे डिस्कशन हम लोगों ने किया हुआ था, और लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिकली देखा हुआ था इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में। यहाँ पे हम लोगों ने बात किया हुआ था क्रस्ट मेंटल कोर और उससे रिलेटेड सारे डिस्कशन के बारे में। कई सारी चीजें हम लोगों ने वहां पे देखने को मिली थी, क्रस्ट की कितनी साइज होती है, एस्थेनोस्फीयर क्या होता है, फिर हम लोगों ने लो वेलोसिटी जोन वगैरह के बारे में पढ़ा था, हम लोगों ने मेंटल की साइज देखी थी, मेंटल का क्लासिफिकेशन देखा था और फिर कोर देखा था। साथ में हम लोगों ने ये भी देखा था कि कौन सा सॉलिड है, कौन सा लिक्विड और कौन सा अगेन सॉलिड हो जा रहा होता था। इन सारी डिस्कशन को आज हम लोग करेंगे कि आखिर में वो जो क्रस्ट मेंटल और कोर की जो स्टडी हमने किया है वो आखिर में हुआ कैसे। मतलब जैसे कल एक हर्षित का क्वेश्चन था कि जब ओशन बॉटम को इतना ज्यादा डेप्थ में है तो उसको हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम लोग उसको देख नहीं पा रहे हैं, तो कैसे अर्थ के साइज को हम लोग कैलकुलेट कर ले रहे हैं। इन सारे क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पर जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ है इसका आंसर। स्टार्ट करते हैं फिर फटाफट आज का डिस्कशन। स्टार्ट करने से पहले अगेन हमारी कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स है जिनको कि आप यूज करके अब तक अपने डाउट पूछ सकते हैं या हम तक रीच आउट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे कुछ कोर्सेज भी अवेलेबल है जो प्रीलिम्स से स्पेशल, मेंस से स्पेशल है। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब अस फॉर टेस्ट सीरीज एंड दीज आर द अवेलेबल टेस्ट सीरीज। स्टार्ट करें, अगर स्टार्ट करने से पहले अगर ये कल की एक स्लाइड ले लिया जाए कि इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंटीरियर ऑफ अर्थ, तो क्यों हम लोग बेसिकली इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं? ताकि हमें मल्टीपल चीजों के बारे में पता हो, जैसे सिस्मिक एक्टिविटी हो रही है, वोल्केनिक एक्टिविटी हो रही है, आज के जो शेप है उसके फ्यूचर के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। जैसे अर्थ का साइज जो है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अर्थ का साइज इंक्रीज हो रहा है। अगेन हमें इस डिस्कशन को समझने के लिए हमें इंटीरियर ऑफ द अर्थ को समझने की कोशिश करनी होगी। इसके अलावा हमें कुछ मैग्नेटिक फील्ड वगैरह के अगर बारे में बात करना है, या सोलर सिस्टम के और जितने सेलेस्टियल प्लैनेट्स हैं उनके बारे में अगर बात करना है, एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन के बारे में बात करना है, हाइड्रोस्फीयर के बारे में बात करना है, मिनरल एक्सप्लोरेशन के बारे में अगर बात करना है, तो हमें इंटीरियर ऑफ द अर्थ को जानने की जरूरत पड़ती है। तो ये थी इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में। अगर हम लोग बात करें कि अर्थ के इंटीरियर ऑफ अर्थ को पढ़ने के लिए क्या कुछ तरीके हैं, तो वी हैव टू मेथड्स। एक है जिसको डायरेक्ट सोर्स बोलते हैं और दूसरे को बोलते हैं इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ स्टडी। डायरेक्ट सोर्स ऑफ स्टडी का मतलब होता है जहां पे आप डायरेक्टली देख रहे होते हैं, मतलब कि आप ड्रिलिंग कर रहे हैं, ड्रिलिंग करने के बाद फिर आप उस चीज को देख रहे हैं कि कितना नीचे तक किया जा सकता है। लेकिन अब अगर हम लोग ये बात करें कि 6400 किलोमीटर अंदर तक हमें जाना है, रेडियस के अंदर यहां तक जाना है, हम लोग कितनी ड्रिलिंग कर सकते हैं? नीचे जाने पर टेम्परेचर लगातार बढ़ते आता है, हमें पता है कि जो इनर साइड कोर का टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, हमारे पास कोई ऐसा मेटल, कोई मिनरल, कोई भी ड्रिलिंग इक्विपमेंट नहीं है जो इस टेम्परेचर को सह पाए, तो इस वजह से क्या होगा कि आप एक निश्चित कोई एक लिमिटेड डिस्टेंस तक केवल आप ड्रिलिंग कर पाएंगे, निश्चित डेप्थ तक ही केवल ड्रिलिंग कर पाएंगे, उसके बाद से ये सिस्टम फेल हो जाता है। अभी तक की जो सबसे डीपेस्ट जो भी ड्रिलिंग की गई है वो की गई है 12 किलोमीटर तक की, और वो की गई है रशिया में, इससे ऊपर नहीं किया गया है, क्योंकि इससे ऊपर करना अगेन बेवकूफी हो जाएगी, क्योंकि कुछ भी हमें मिल नहीं रहा है, कोई भी स्टडी का कोई रीजन नहीं मिल रहा है। फिर हमारी आती है सेकेंड चीज, दैट इज इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ स्टडी। यहां पर हमें मल्टीपल तरीके से हम लोग चीजों को देख सकते हैं, जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल को पढ़ाई करके, जैसे वोल्केनिक एलिमेंट है, वोल्केनिक एलिमेंट, वोल्केनो निकलता है तो वोल्केनिक एलिमेंट जो है वो सरफेस पे आ जा रहे होते हैं। इसमें मल्टीपल चीजें होती हैं, जैसे इसमें ग्रेनाइट भी होता है, इसमें एंडेसाइट भी होता है, इसमें बसाल्ट भी होता है, इसमें पेरिडोटाइट भी होती है, तो कई सारी चीजें हो जाती है, पेरिडोटाइट लाइक ओलिवाइन मटेरियल वगैरह हो जा रहा होता है। इन मटेरियल का अपना एक खुद का केमिकल कंपोजिशन होगा, इस केमिकल कंपोजिशन को देख करके, इसको रिसर्च करके, इसके बारे में पढ़ करके इंटीरियर ऑफ स्टडी के बारे में हम लोग जान सकते हैं कि व्हाट इज द टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ द मटेरियल बीनिथ दिस सरफेस, कितना अंदर तक क्या डेंसिटी है, इसके हिसाब से हम लोग जान सकते हैं। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम यह है कि इस स्टडी को करने के लिए पहले तो आपको वोल्केनिक एक्टिविटी पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, और नंबर टू इस वोल्केनिक एक्टिविटी का इंतजार तो करना ही करना है, साथ में मटेरियल कितने डेप्थ तक की चीज निकल के आएगी इसके बारे में आप नहीं बता पाएंगे। क्योंकि अगर बात करें वोल्केनिक एक्टिविटी, ये कहा जाता है कि ये मेंटल फिनोमिना है,
मेंटल से नीचे की नहीं, मेंटल फिनोमिना है. तो अगेन यू हैव लिमिटेड नॉलेज अप टू द मेंटल ओनली. अगर आपको कोर तक की स्टडी करनी है तो आपको और कुछ दूसरे साधन खोजने पड़ेंगे. तो दूसरे साधन के रूप में आ जाता है मिटियोर की स्टडी. अब हमें पता है कि मिटियोर शावर्स होती रहती हैं. मिटियोर शावर होती है तो क्या होता है कि अपने आप नेचुरल तरीके से ड्रिलिंग हो जाती है एक तरीके की. तो यहां पर जब ड्रिलिंग होती है, जब मिटियोर आते हैं तो ड्रिलिंग हो जाती है, तो इससे क्या होता है कि हम काफी डीप डाउन तक हम लोगों को मटेरियल्स जो बीनीथ इन ये जो रिमेन्स है ये मिल जा रहे होते हैं. इनकी हम लोग फिर से वापस से इसकी डेंसिटी प्रेशर टेम्परेचर इनको हम लोग देख लेते हैं और उसके बेसिस पे स्टडी कर रहे होते हैं. लेकिन अगेन यहां पर भी कोर तक नहीं पहुंच पाते, इस वजह से ये भी सिस्टम हमारा फेल हो जाता है. इसके बाद होता है ग्रेविटी एनोमली विच गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ मटेरियल इन द अर्थ. हर एक मटेरियल की अपनी ग्रेविटी अलग होती है. इस ग्रेविटी जैसे पोल पे अलग ग्रेविटी होती है, इक्वेटर पे अलग ग्रेविटी होती है, इनसाइड द अर्थ अलग ग्रेविटी होती है, बाहर अलग ग्रेविटी हो रही होती है. क्योंकि सीधी सी बात है रेडियस सबका बदल रहा है, इस वजह से चीजें बदल जा रही होती हैं. ग्रेविटी एनोमली से भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन इस अर्थ का इंटीरियर हम लोग स्टडी कर सकते हैं. लेकिन अगेन ये भी पूरी तरीके से फुल प्रूफ नहीं हो पाता है क्योंकि हमारी यहाँ पर नॉलेज जो है काफी लिमिटेड हो जा रही होती है. साथ में हमें एस्टिमेशन भी करना पड़ता है तो वो भी एक बहुत बड़ी दिक्कत के रूप में बाहर निकल के आ जाता है. इसके बाद आता है मैग्नेटिक सर्वे करना. तो मैग्नेटिक मटेरियल को जो भी सरफेस पे फैले हुए हैं उनको उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के हिसाब से हम लोग चेक करते हैं कि क्या उसकी इंटीरियर की स्टडी कैसी होगी. लेकिन यहां पर डिपेंड ये कर जाता है क्योंकि यहां पर रिवर्सल ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल देखने को मिल जाता है, रिवर्सल ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, जिसके कारण से अगेन हमारी जो स्टडी होती है वो लिमिटेड हो जाती है और इस तरीके से हम लोग इंटीरियर ऑफ द अर्थ को स्टडी नहीं कर पाते हैं. फिर ऑप्शन क्या है, क्या करें. नेक्स्ट ऑप्शन आता है सिस्मिक एक्टिविटी और ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसने काफी हद तक हमारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया. सिस्मिक एक्टिविटी का मतलब होता है अर्थक्वेक एक्टिविटी. तो जितनी भी अर्थक्वेक एक्टिविटी होती है उन सारे के बारे में हम लोग देखेंगे इसमें क्या कुछ है, कैसे हमारे ये क्रस्ट मेंटल कोर जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ है उसको कैसे एक्सप्लेन कर रहा होता है. फटाफट स्टार्ट करते हैं हमारी इस सिस्मिक वेव या अर्थक्वेक वेव के बारे में. तो अर्थक्वेक वेव के बारे में अगर बात करें तो अर्थक्वेक इज व्हाट, इट इज द सडन शेकिंग ऑफ द सरफेस. तो इट इज द शेकिंग और ट्रेम्बलिंग ऑफ अर्थ सरफेस विच इज कॉज्ड बाय द सडन मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट रिजल्टिंग इन रिलीज ऑफ एनर्जी. आसान शब्दों में अगर बात करें तो आसान शब्दों का मतलब ये हो गया, मैंने आप लोगों को एक दिन बताया था कि एनर्जी कभी ना तो प्रोड्यूस होती है ना तो कभी डिस्ट्रॉय होती है. एनर्जी हमेशा एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट होती रहती है. अब जैसे मान लेते हैं कि दो व्हीकल्स हैं, मान लेते हैं कि ये हमारी दो व्हीकल्स हैं, एक व्हीकल इधर से आ गई, एक व्हीकल इसी तरीके से मान लेते हैं कि आ गई इधर. जब दोनों एक दूसरे को टक्कर मारेगी, पहिया बना देते हैं, जब दोनों एक दूसरे को टक्कर मारेगी तो क्या होगा, इसकी भी अपनी काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर, इसकी भी अपनी काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर, ये कुछ वी वन है ये कुछ वी टू है. दोनों आपस में जब टक्कर मारेंगी तो दोनों एक दूसरे के साथ एनर्जी का एक्सचेंज कर रही होंगी. इस कोलिजन के कारण से एक तो साउंड निकलेगा, क्यों, क्योंकि साउंड वेव में कन्वर्ट हो गई है ये जो एनर्जी है, एक तो कन्वर्ट हुई है साउंड वेव में, जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हुई है साउंड वेव में. दूसरी एनर्जी हुई है शॉक वेव में, शॉक वेव. इस शॉक वेव के कारण से गाड़ी में डैमेज हो जाएगा, डैमेज निकल के आएगा. तीसरी होगी जो इन इलास्टिक या इलास्टिक कोलिजन जो भी होगा, ये सब आप लोग जानते होंगे क्या है, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, पता नहीं क्या बोला है मैंने, छोड़ दिया. यहां पर इन इलास्टिक और इलास्टिक अगर कोई कोलिजन होता है इसके कारण से इसको एक रिपल्सिव वेलोसिटी मिल जाती है. रिपल्सिव वेलोसिटी का मतलब ये हो गया कि वेलोसिटी इन अपोजिट डायरेक्शन. तो इस तरीके से हमें हमारी जो ये एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी शुरू में थी हमारी, ये कन्वर्ट हो जाती है इन तीन फॉर्मेट ऑफ एनर्जी में. तो बेसिकली एनर्जी का ही कन्वर्जन हो रहा है. सिमिलरली इसी तरीके से जो हमारी अर्थ है, इस अर्थ में भी हमारे प्लेट सिस्टम होती है. ये प्लेट सिस्टम क्या होती है, हम लोग प्लेट टेक्टोनिक में बात करेंगे क्या होती है. खैर यही प्लेट सिस्टम होती है, या आप ये बोल सकते हैं कि हमारे अर्थ की जो इंटीरियर एनर्जी है, जो भी इंटरनल एनर्जी है, इस इंटरनल एनर्जी ये भी कोशिश कर रही होगी किसी तरीके से एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में बदलने की, जैसे ये कार वाले लोगों ने किया हुआ है. तो यहां पर जब एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा होता है
किसी भी माध्यम से, तो वहां पर साउंड एनर्जी जनरेट होती है। साउंड एनर्जी भाई सीधी सी बात है, कहीं पर भी टक्कर मारेगा तो साउंड एनर्जी तो जनरेट ही होगा। जब साउंड एनर्जी जनरेट हो रही है, इरेज कर रहा हूं मैं, साउंड एनर्जी जब जनरेट होगी, मान लेते हैं यहां कहीं पर कोई ऑब्जेक्ट है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ में है, ये मान लेते हैं सरफेस है, ये हमारी सरफेस है और हम लोग इंटीरियर ऑफ द अर्थ में कहीं पर है। यहां से अगर कोई साउंड एनर्जी जनरेट होती है तो होगा क्या, होगा ये कि ये ट्रेवल करेगा वेव के फॉर्मेट में, ये इस तरीके से ट्रेवल करेगा और ट्रेवल करके फिर अल्टीमेटली कहां पहुंचेगा, सरफेस पे। तो अभी तक तो केवल और केवल प्रोपेगेशन ऑफ वेव हो रही थी, यहां पे क्या हो रहा है, प्रोपेगेशन ऑफ वेव आगे की ओर बढ़ रही है क्योंकि कोई मटेरियल नहीं मिल रहा है। लेकिन जैसे ही यह सरफेस पे आएगा, क्या फिर से एक कोलिजन हो जाएगा, फिर से एक कोलिजन हो जाएगा और जो यहां पर नीचे से ऊपर की ओर आ रही थी वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और सरफेस में इस तरीके से मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां पर बेसिकली सरफेस मूवमेंट स्टार्ट हो गया क्योंकि नीचे से ये एनर्जी सोर्स पा गया है और ये जो एनर्जी सोर्स है इसी को बोल रहे हैं हम लोग सिस्मिक एनर्जी, दिस इज बेसिकली सिस्मिक एनर्जी। और जो सरफेस पे इस तरीके से मूवमेंट हो गया है, शॉकिंग हो गया है या शेक करना शुरू कर दिया है, इसी को हम लोग बोल रहे हैं क्या, अर्थक्वेक। क्लियर हो गया क्या चीज है अर्थक्वेक का मतलब, अभी और क्लियर होगा एनिमेशन के थ्रू और क्लियर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, इट अकर्स व्हेन इट सरप्लस एक्यूमुलेट स्ट्रेस इन रॉक, सीधी सी बात है स्ट्रेस इन रॉक आएगा यानी कि कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब कर रहा है, कोई एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी सीधी सी बात है कभी ना कभी ये निकल करके आएगा, रिलीज जरूर होगा और जब रिलीज होगा तो अगेन क्या हो जाएगी, शॉक हो जाएगी। तो यहां पर शेकिंग स्टार्ट हो जा रही होगी बेसिकली। इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ इज रिलीव थ्रू द वीक जोन ओवर द सरफेस, अर्थ सरफेस इन फॉर्मेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ वेव मोशन कॉजिंग वाइब्रेशन ऑन द अर्थ सरफेस। क्लियर हो गया क्या चीज है। अब यहां पर कुछ टर्म आ जाते हैं हमारे अर्थक्वेक से रिलेटेड, जैसे मान लेते हैं कि यह हमारा सरफेस है, दिस इज द अर्थ का सरफेस, सीधी सी बात है यहां पर तो अर्थक्वेक कभी जनरेट होगा नहीं, इसके नीचे ही कहीं पर होगा, जहां पर जनरेट हो रहा होता है इसको हम लोग बोलते हैं फोकस। फोकस द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक इनसाइड द अर्थ, जस्ट इसके परपेंडिकुलर, जस्ट इसके ऊपर। अब जैसे ये मान लेते हैं एक डिस्टेंस, ये मान लेते हैं एक डिस्टेंस, ये मान लेते हैं एक डिस्टेंस, हम लोग मान लेते हैं ये मान लेते हैं ए दूरी है, मान लेते हैं बी दूरी है, ये सी दूरी है, इन सब में मिनिमम कौन सा होगा, मिनिमम सबसे ज्यादा कम क्या होगा, ए होगा, दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस। क्यों मिनिमम डिस्टेंस होगी, क्योंकि जितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपने आप में सबसे मिनिमम डिस्टेंस होती है, तो ये मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगी। यानी कि इस वेव को ट्रेवल करने में सबसे कम समय किधर लगेगा, ऑब्वियसली ए पे सबसे कम समय लगेगा, मिनिमम टाइम। नंबर टू, इसके बाद यहां पर सबसे ज्यादा डैमेज कहां होगा, ऑब्वियसली अगेन ए पर ही होगा। क्यों, दूरी कम चलनी पड़ेगी तो एनर्जी कम कन्वर्ट होगी, एनर्जी कम कन्वर्ट होगी तो एनर्जी ज्यादा सरफेस को प्राप्त होगी ए पर, इस वजह से ज्यादा डैमेज हमें ए यहां पर मिलेगा, इस वाले पॉइंट पे मिलेगा, इसको मान लेते हैं ए पॉइंट है। जो ए पॉइंट है जस्ट एबव द फोकस उसको हम लोग बोलते हैं एपी सेंटर, दिस इज बेसिकली एपी सेंटर। तो एपी सेंटर वो हो जाता है जहां पे पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस वर्टिकली एबव द फोकस परपेंडिकुलर वाला मैक्सिमम डैमेज कॉज एट दिस एपी सेंटर क्यों होता है वो आपको समझ में आ गया। वेव वेलोसिटी क्या होती है, वेव वेलोसिटी वो होती है जिस वेलोसिटी से, जिस स्पीड से वेव, अर्थक्वेक वेव हो चाहे कोई भी वेव हो, ट्रेवल कर रही हो। जैसे साउंड वेव है, साउंड वेव 330 किलोमीटर प्रति घंटा, 330 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसके हिसाब से ट्रेवल कर रही होती है। सिमिलरली लाइट वेव है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसके हिसाब से, मीटर पर सेकेंड होता है यूनिट सॉरी, इसके हिसाब से ट्रेवल कर रही होती है। तो आपको पता चल गया कि क्या चीज है। सिमिलरली इसी तरीके से वेव वेलोसिटी होती है 5-8 किलोमीटर प्रति घंटा सॉरी पर सेकेंड ओवर द आउटर पार्ट ऑफ क्रस्ट। अब देखिए ये 5000-8000 मीटर पर सेकेंड हुआ, साउंड की स्पीड से तेज है थ्रू द आउटर पार्ट ऑफ द क्रस्ट बट ट्रेवल फास्टर विद डेप्थ, जैसे जैसे नीचे आता है वैसे वैसे तेज हो जाता है। क्यों होता है ये सब हम लोग देखेंगे फिलहाल। आइसो सिस्मिक लाइन क्या होती है, आइसो का मतलब होता है सेम, सिस्मिक का मतलब हो गया जो सिस्मिक एनर्जी और लाइन का मतलब हो जाता है एक ऐसी लाइन
जहां पर इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक सेम हो जाए, मतलब जितना डैमेज है वो सब के सब सेम हो जाए. तो अ लाइन कनेक्टिंग ऑल पॉइंट ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ वेयर द इंटेंसिटी इज सेम, एक जैसा इंटेंसिटी हमें मिल रहा है. क्लियर हो गया आइसोसिस्मिक लाइन का मतलब क्या है. अब जरा देख लेते हैं मेजरमेंट कैसे करते हैं. तो अर्थक्वेक की जो मैग्नीट्यूड होती है उसको हम लोग मेजर कर रहे होते हैं रिक्टर स्केल से, और जो इंटेंसिटी होती है उसको हम लोग मेजर कर रहे होते हैं मर्कैली स्केल से. क्लियर हो गया. होता क्या है, लॉगरिथमिक होती है, लॉग के पावर मतलब लॉग 10 टू द पावर चीजें हो रही होती हैं, और उस हिसाब से हम लोग इसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं अर्थक्वेक को. क्लियर हो गया. इंटेंसिटी को हम लोग देख रहे होते हैं मर्कैली स्केल से. यहां पर लॉग की जितनी वैल्यू आ जाती है बेसिकली वही जो है इंटेंसिटी कहला जाती है, जैसे 6.2, 6.3, 6. जितनी भी चीजें हैं. अब देखिए 6.2, 6.3 देखने में बहुत कम लॉग रहा होगा, लेकिन 10 टू द पावर जब आप करेंगे तो ये वैल्यू काफी ज्यादा निकल करके आ जाती है. मतलब अगर एक जीरो भी बढ़ा 10 टू द पावर 7 हुआ, मतलब इट इज गोइंग 10 टाइम्स. तो काफी ज्यादा भयावह स्थिति, डिजास्ट्रस सिचुएशन हमें देखने को मिल जा रही होती है अगर एक भी पॉइंट अगर बढ़ जाता है तो विद रिस्पेक्ट टू मर्कैली स्केल. क्लियर हो गया क्या चीज है. तो ये होती है हमारी पूरी की पूरी सिस्टम. मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी दो अलग अलग चीजें होती हैं. दो अलग अलग क्या होती है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्या चीज है. स्टार्ट करते हैं फटाफट. तो ये देखिए वो फोटोग्राफ है जहां पर मान लेते हैं ये कहीं पर फॉल्ट लाइन है, इस फॉल्ट लाइन पे ही कोई एनर्जी जनरेट हुई है, और यहां पर आपका फोकस है, फोकस के जस्ट ऊपर ये आपका एपी सेंटर हो जाएगा और इस तरीके से पूरा अर्थक्वेक का सिस्टम आ जाएगा. क्लियर हो गया. क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर में ये रीजंस क्या क्या है. तो मल्टीपल रीजंस आर देयर, कई सारे रीजन हो जाते हैं अर्थक्वेक आने के. जैसे पहला है कॉम्प्रेशनल और टेंशनल स्ट्रेस बिल्ट अप एट द मार्जिन ऑफ ह्यूज मूविंग लिथोस्फेरिक प्लेट. जैसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में क्या होती है कि कई सारी प्लेट्स होती हैं, अर्थक्वेक जो है अर्थ जो है वो कई सारे प्लेट से मिलकर बना है, चाहे वो आपका कॉन्टिनेंटल प्लेट हो जाए चाहे वो आपका ओशियनिक प्लेट हो जाए. तो इन प्लेट के आपस में इंटरैक्शन के कारण से जैसे ये इंटरैक्ट करेगी काइनेटिक एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही होगी, और इसी कारण से कंप्रेशनल और टेंशनल स्ट्रेस बिल्ट हो जा रहा होता है, और इस तरीके से हमें अर्थक्वेक देखने को मिल जाती है. इसके अलावा सडन रिलीज ऑफ स्ट्रेस अलोंग अ फॉल्ट और फ्रैक्चर इन द अर्थ क्रस्ट. अगर किसी फॉल्ट में किसी क्रैक में अगर कोई स्ट्रेस जनरेटेड है, कहीं से दबा हुआ है, कोई प्रेशर फील कर रहा है, अगर वो रिलीज हो गया तो फिर से अर्थक्वेक आने की पूरी संभावना हो जा रही होती है. जैसा एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं डैम बनाने का. जब आप डैम बना देते हैं तो होता क्या है, कुछ डैम इस तरीके से आपने वाटर को होल्ड करने के लिए बना दिया है. वाटर को होल्ड बनाने के लिए जैसे ही आप यहां पर पानी इकट्ठा करना शुरू करेंगे एक एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट होना शुरू हो जाता है इस पॉइंट में, जिसका नाम है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण से एक नया स्ट्रेस जनरेट होता है, और इस स्ट्रेस के कारण से अर्थक्वेक आने की संभावना काफी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा फोर्स क्रिएट कर दिया गया बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम. सिमिलरली चेंज Constant change in volume and density of rock due to intense temperature and presence of earth interior. सीधी सी बात है, अगर temperature या pressure के change होने के कारण से rock की density या volume में अगर change आएगा तो cracking start हो जाएगी. छोटा सा example मैं लेना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए कोई एक surface लीजिए आप, कोई एक surface लीजिए और वो surface ऐसा लीजिए जो थोड़ा सा जल सके. तो आपने क्या किया, इस surface को पहले बहुत cool किया. कूल करने से क्या हो जाएगा, ये सिकुड़ जाएगा, स्क्वीज कर जाएगा. चलिए ठीक है, स्क्वीज हो गया. अब इसके बाद से आप इसको हीट कर दीजिए. हीट करेंगे तो क्या होगा, अब ये एक्सपैंड कर जाएगा. सपोज दिस इज इट्स नॉर्मल शेप, एक्सपैंड करने के बाद ये हो गया. अब आप इसको वापस से कूल कर दीजिए. अब कूल करेंगे तो क्या होगा, ये अगर इसका नॉर्मल शेप है, बाहर वाला शेप अब क्या है, ये डिस्टॉर्ट हो चुका है. डिस्टॉर्ट क्यों हो गया है, क्योंकि ये फैल गया है, जिसको बोला था ना फैल गया है. तो जब इसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो फैला हुआ सरफेस चिपकेगा तो जरूर, लेकिन कुछ इस तरीके की हमें पपड़ियां देखने को मिल जाएंगी. ये जो पपड़ियां हैं बेसिकली स्ट्रेस में आ चुकी हैं, और जब भी ये स्ट्रेस रिलीज करेगा, इस स्ट्रेस रिलीज करने के कारण से होगा क्या, अर्थक्वेक आ जाएगा. समझ में आ गया. इसके आगे अगर बात करें तो ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक, जैसे डायनामाइट फोड़ दिया आपने,
माइनिंग कर दिया आपने, तो इस तरीके की चीजों के कारण से भी अर्थक्वेक आ जा रही होती है। अब हम लोग जरा डिस्कस कर लेते हैं अर्थक्वेक के बारे में। तो सिस्मिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन सम फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर इन अर्थ क्रस्ट इज सडनली रिलीज। जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, जो भी एनर्जी रिलीज है अगर वो रिलीज हो जाएगी तो अल्टीमेटली जो है अर्थक्वेक आ जाएगा। ड्यू टू स्लिपिंग ऑफ लैंड दीज वेव्स विल ट्रेवल इन ऑल द डायरेक्शंस। सीधी सी बात है, यूनिफॉर्मिटी रखी जाएगी इस पॉइंट पे, अगर अर्थक्वेक है तो हर जगह पर वो ट्रेवल करेगा, हर एक पॉइंट पे ट्रेवल करेगा। अब देखिए एक चीज यहां पर मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, जैसे मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी का डिफरेंस का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है और इंटेंसिटी क्या है। अब जरा समझिएगा, मान लेते हैं ये हमारी अर्थ है, दिस इज आवर अर्थ। अर्थक्वेक मान लेते हैं कि यहां पर आया हुआ है। अर्थक्वेक अगर इधर आया है तो सीधी सी बात है इसका वेव ट्रेवल करेगा कहां पे, सारे डायरेक्शन में, सारे डायरेक्शन में, सारे डायरेक्शन में। अब देखिए ऊपर नहीं आएगा, क्यों, सरफेस पे आ गया है। सारे डायरेक्शन में, सारे डायरेक्शन में, सारे डायरेक्शन में। तो इस तरीके से हर जगह पर सरफेस पे पहुंच गया है, इस पॉइंट पे भी पहुंच गया है, इस पॉइंट पे भी पहुंच गया है, इस पॉइंट पे भी पहुंच गया है, यहां पे पहुंच गया है, यहां पर भी पहुंच गया और यहां पर भी पहुंच गया है, हर जगह पर ये पहुंच गया है, कोई दिक्कत नहीं है, पहुंचने देते हैं। अब देखिए अगर ये कहीं पर भी कोई भी वेव पहुंची है उसका मैग्नीट्यूड होगा एक। मैग्नीट्यूड का मतलब उसका, जैसे क्या है, कोई एक बॉडी है उसका एक मास होता है, लेकिन हम लोग मास का भी नहीं उसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं, हम लोग कैलकुलेट कर रहे होते हैं उसका वेट। अब वेट क्या होती है, एम इंटू जी, जी वैरी करता है, इसलिए एम इंटू जी वैरी करता है, इसी वजह से आपका वेट अलग अलग जगह पे अलग अलग हमें देखने को मिल जा रहा होता है। लेकिन मास, मास तो चेंज नहीं करेगा, दिस इज अनचेंजेबल कॉन्स्टेंट क्वांटिटी कह सकते हैं आप। सिमिलरली एक वेव की जो मैग्नीट्यूड होती है वो कॉन्स्टेंट होती है, कहीं से भी अगर आप इसको देखेंगे तो वो कॉन्स्टेंट मिलेगी हमेशा। अब जैसे हर एक पॉइंट पे अगर मान लेते हैं यहां पर इस पॉइंट ए पर अगर इसकी मैग्नीट्यूड 5 यूनिट मिली हुई है, अब आप ये बताइए कि इस पॉइंट पे क्या मिलेगी अगर पॉइंट बी इसका नाम दे दिया जाए, तो यहां पर भी 5 यूनिट ही मिलेगी। क्यों मिलेगी 5 यूनिट, क्योंकि इस वेव की प्रॉपर्टी, इस वेव का अपना एक मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड कभी चेंज नहीं करता है, इट इज द इंटेंसिटी विच चेंज। तो ये तरीका हो जाएगा। अब जरा आ जाते हैं मैग्नीट्यूड, आई गेस आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मैग्नीट्यूड आप समझ लीजिए कि मास ऑफ द वेव, एक तरीके से जैसे बॉडी का मास होता है वैसे ही मास हो जाएगा इसका वेव का। इंटेंसिटी के बारे में जरा देख लेते हैं क्या इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी का मतलब होता है प्रेशर पर यूनिट टाइम, कितने कम समय में कितना ज्यादा मैग्नीट्यूड पहुंचा, आप ये समझ लीजिए कितने कम समय में कितना ज्यादा मैग्नीट्यूड पहुंचा। मैग्नीट्यूड इज सेम, अगर समय कम लग रहा होगा तो इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, समय ज्यादा लगेगा तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी। अब जैसे देखते हैं ये पॉइंट है, इस पॉइंट के जस्ट, एक सेकेंड ब्लैक ले लेते हैं, चलिए इस पॉइंट के जस्ट परपेंडिकुलर में ये पॉइंट होगा जो सबसे कम डिस्टेंस पे होगा, सबसे कम डिस्टेंस पे रहेगा तो 100% श्योर है कि सबसे ज्यादा डिजास्टर यहीं पर आएगा। क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा इंटेंसिटी यहीं की होने वाली है। क्लियर। आगे अगर बात करें, और अगर ये वेव पहुंचती है, सीधी सी बात है इस वेव को पहुंचने में इक्वल टाइम लगेगा, क्यों, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, तो यहां पर जो इंटेंसिटी आई वन अगर नोट की जा रही है तो यहां पर कितनी की जाएगी, यहां पर भी आई वन ही की जाएगी, क्योंकि दोनों को टाइम सेम लग रहा है। अगर बात करें इस पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या होगी, इस पॉइंट पे इंटेंसिटी कुछ आई टू होगी, यहां पर भी कुछ आई टू होगी, और आई टू मच लेस देन होगा आई वन के। क्यों, क्योंकि आई वन से आई टू तक पहुंचने में काफी अच्छा खासा समय लग गया है, समय लगेगा, इंटेंसिटी कम हो जाएगी, डिजास्टर कम हो जाएगा, तो यहां पर डिजास्टर जो है वो काफी ज्यादा मिनिमाइज्ड हो जाएगा। इसीलिए जहां पर भी फोकस होता है, या कह सकते हैं जहां पर भी एपी सेंटर होता है, वो सबसे ज्यादा डिजास्टर सिचुएशन में बदल जाता है। जैसे रिसेंट में अभी देखिए नेपाल में जो अर्थक्वेक आई हुई थी वो बेसिकली एपी सेंटर था, और एपी सेंटर होने के कारण से ही बहुत ज्यादा डिजास्टर हमें देखने को मिल गया था। आई होप आप लोगों को मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी में डिफरेंस अब क्लियर हो गया होगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। आगे अगर बात करें तो देखिए, सिस्मिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन सम फॉर्मेट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन अर्थ क्रस्ट
इन सडनली रिलीज ड्यू टू स्लिपिंग ऑफ लैंड दीज वेव्स विल ट्रेवल इन ऑल द डायरेक्शन. तो ये तो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हम लोगों ने. ये जो अर्थक्वेक की वेव होती है बेसिकली वो दो टाइप की होती है. इनफैक्ट यहां से एक चीज समझ में भी आ गई थी कि भाई अगर यहां पर फोकस है और इस तरीके से अगर ट्रेवल कर रहा है और जब सरफेस पे पहुंच रहा है तो इस तरीके से ट्रेवल करने लग रहा है, यानी देयर इज सम डिफरेंस. नीचे जब होता है इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी वेव, और जब ये सरफेस पे पहुंचता है तो इसको हम लोग बोलते हैं सरफेस वेव. यानी कि जो हमारा सिस्मिक वेव है वो दो तरीके का हो सकता है, एक को बॉडी वेव बोलते हैं, दूसरे को हम लोग सरफेस वेव बोल दे रहे होते हैं. इस बॉडी वेव और सरफेस वेव को और फर्दर क्लासिफाई किया गया है, और क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके का है. जहां पर सिस्मिक वेव, बॉडी वेव, सरफेस वेव, इस बॉडी वेव में दो तरीके होते हैं जिनको प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव बोला जाता है. सिमिलरली सरफेस वेव दो तरीके का होता है, जिसको लव वेव या एल वेव, रेले वेव या फिर आर वेव बोला जाता है. तो ये हमारा बेसिकली क्लासिफिकेशन है. इन सबके कारण से अर्थक्वेक आता है, इसीलिए वन बाय वन करके जरा हम लोग सबको डिस्कस कर लेते हैं क्या चीज है. पहले हम लोग बॉडी वेव पे आते हैं, बॉडी वेव को जरा डिस्कस कर लेते हैं क्या चीज है. तो बॉडी वेव आर जनरेटेड ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी एट द फोकस. तो यही पॉइंट, ये फोकस है, यहां से जब एनर्जी रिलीज हो रही है इसको हम लोग बोल रहे हैं कि ये बॉडी वेव है. एंड मूव इन ऑल डायरेक्शन. क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्मिटी है भाई, क्यों एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में क्यों जाएगा. तो इट विल मूव इन ऑल द डायरेक्शन ट्रेवलिंग थ्रू द बॉडी ऑफ द अर्थ एंड हेंस नेम बॉडी वेव. बॉडी वेव इंटरैक्ट विद सरफेस रॉक एंड जनरेट न्यू सेट ऑफ वेव कॉल्ड सरफेस वेव. जैसे ही ये टकराएगा इस तरीके से सरफेस वेव में बदल जाएगा. एंड दीज वेव मूव अलोंग द सरफेस एंड आर मोर डिस्ट्रक्टिव देन बॉडी वेव. क्लियर हो गया. अब हम लोग जरा आ जाते हैं बॉडी वेव के अंदर में पहली वाली वेव जिसका नाम है प्राइमरी वेव, जरा इसको डिस्कस कर लेते हैं. इस प्राइमरी वेव को डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो वेव होते हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को छोड़ दिया जाए तो बाकी दो टाइप के होते हैं. एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, और दूसरी होती है जिसको बोला जाता है ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव. यही दोनों में कह लीजिए कि प्रॉपर्टीज भी है. लॉन्गिट्यूडिनल वेव पी वेव को ही बोला जाता है, प्राइमरी वेव को ही बोला जाता है, ट्रांसवर्स वेव एस वेव या फिर सेकेंडरी वेव को बोला जाता है. एक बार प्रॉपर्टीज थोड़ी सी अगर आपको मैं छोटा सा हिंट करके बता दूं तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव का मतलब होता है जो वाइब्रेशन कर रहे होते हैं. वाइब्रेशन मतलब इस तरीके से वाइब्रेशन है, दिस इज वाइब्रेशन. जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप एक लेक में, किसी पॉन्ड में, किसी तालाब में पत्थर फेंक दीजिए, पत्थर के फेंकने के कारण से इस तरीके की रिपल्स जनरेट हो जाती हैं जो आगे ट्रेवल कर रही होती हैं. तो होता क्या, वाटर का मॉलिक्यूल कहीं जाता नहीं है, वो ऐसे 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 ट्रांसफर करते आता है, अपनी वाइब्रेशन को आगे की ओर बढ़ाता जाता है, और इस वाइब्रेशन के कारण ही अल्टीमेटली वेव जो है वो आगे की ओर प्रोपेगेट कर जाती है. जैसे एक और चीज साउंड वेव हो गई, साउंड वेव. जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरे पास का जस्ट जो पार्टिकल है वो वाइब्रेशन एनर्जी पा गया और वही एनर्जी आगे की ओर ट्रांसमिट करते जा रहा है. तो बेसिकली यहां पर प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन और वाइब्रेशन ये दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि दोनों के दोनों पैरेलल होते हैं. ये प्रोपेगेशन का लाइन है और यही वाइब्रेशन का लाइन है, तो दोनों पैरेलल हो गए. लेकिन एस वेव में क्या होता है, एस वेव में बचपन में पढ़े होंगे इस तरीके का एक रोप ले लिया जाता है और यहां से इसको एक इस तरीके का प्रोवाइड कर दिया जाता है, इसको एक थोड़ा सा शिफ्ट दे दिया जाता है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव. यहां पर प्रोपेगेशन तो इस साइड में है, तो यानी वेव का जो प्रोपेगेशन है वो हॉरिजॉन्टल है लेकिन वाइब्रेशन परपेंडिकुलर है. यानी यहां पे जो प्रोपेगेशन और वाइब्रेशन है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर निकल करके आ जा रहे होते हैं. क्लियर हो गया क्या चीज है, कैसे मूवमेंट हो रही है. अब हम लोग जरा आ जाते हैं प्राइमरी वेव पे, या जिसको हम लोग बोल रहे हैं हमारा लॉन्गिट्यूडिनल वेव. देखते हैं इसके बारे में क्या कुछ है. तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स या फिर कंप्रेशन वेव्स. क्लियर. दे आर एनालॉगस टू साउंड वेव, जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस ही किया. द पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव. तो वही है, डायरेक्शन जो होती है वो पैरेलल होती है, सेम सी हो जाती है. दे मूव फास्टर एंड फर्स्ट टू अराइव एट द सर्फेस. ये इंपॉर्टेंट है, आप ये समझ के रखिए कि पी वेव जो होते हैं बहुत तेज होते हैं, दे आर वेरी फास्टर, इनफैक्ट फास्टर देन
ट्रांसवर्स वेव. दीज वेव्स आर हैविंग हाई फ्रीक्वेंसी. स्पीड ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, इसी वजह तो स्पीड ज्यादा है. दे कैन ट्रेवल इन ऑल मीडियम. ऑल मीडियम का मतलब सॉलिड में भी कर सकते हैं, लिक्विड में भी कर सकते हैं और गैस में भी जा सकते हैं. वैक्यूम में, वैक्यूम में ये ट्रेवल नहीं कर सकते, इनको मीडियम की जरूरत होगी, मीडियम इनको चाहिए. वेलोसिटी ऑफ पी वेव्स सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है, फिर लिक्विड में होती है, फिर गैस में होती है. जैसे आप साउंड के बारे में ही सोच सकते हैं, सॉलिड में है अभी देखिए, सरफेस पे है, आराम से आप बोल ले रहे हैं. वाटर में जब आप जाते हैं तो बोल पाते हैं क्या, या आवाज प्रोपेगेट कर पाती है, नहीं कर पाती है. और गैस में, और नहीं कर पाती है. देयर वेलोसिटी डिपेंड ऑन शियर स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल. इलास्टिसिटी पे डिपेंड कर रहा होता है, शियर फोर्स पे डिपेंड कर रहा होता है. तो ये हो गई हमारी प्राइमरी वेव. आते हैं हम लोग सेकेंडरी वेव पे, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रांसवर्स वेव है. एक दिस इज ट्रांसवर्स वेव. दे आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसवर्स और डिस्टॉर्शनल वेव, एनालॉगस टू वॉटर रिपल और लाइट वेव. जो इस तरीके से मूवमेंट हो रही होती है, उस तरीके को बोलते हैं हम लोग लाइट वेव या वॉटर रिपल. एस वेव अराइव एट द सर्फेस विद सम टाइम लैग. टाइम लैग लेगा, सीधी सी बात है, डिस्टेंस इनकी ट्रेवल बहुत ज्यादा है. भाई ये बताइए, ये जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर है, और मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन सबसे कम समय लेती है, और ये पैरेलल, ये परपेंडिकुलर जा रही है, मतलब इस तरीके से जा रही है, जहां पर डिस्टेंस इसकी बहुत ज्यादा ही ट्रेवल करनी पड़ी है, तो टाइम लेगा. सेकेंडरी वेव कैन नॉट पास थ्रू लिक्विड और गैस, यानी ये केवल और केवल ओनली एंड ओनली सॉलिड में ट्रेवल कर सकते हैं. दे कैन ट्रेवल ओनली एंड ओनली इन सॉलिड. दीज वेव्स आर ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी वेव, ट्रेवल एट वेरिंग वेलोसिटी, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से. जैसे अगर मान लेते हैं कि मीडियम बदला, या फिर सॉलिड में ही अगर बदलता है, तो भी इसकी वेलोसिटी में चेंज हमें देखने को मिल जाएगा. अब हम लोग जरा आ जाते हैं सरफेस वेव पे, एल वेव और आर वेव. फटाफट डिस्कस करते हैं क्या चीज है. पहले एल वेव देख लेते हैं. एल वेव को लव वेव के नाम से भी जाना जाता है. दे आर कन्फाइंड टू द सर्फेस ऑफ द क्रस्ट. सर्फेस वेव है तो सर्फेस पे ही रहेगा. लव वेव प्रोड्यूस इंटायरली हॉरिजॉन्टल मोशन, केवल और केवल हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहा होता है. एंड दे आर मच स्लोअर देन बॉडी वेव बट आर फास्टर देन रेले वेव. तो बेसिकली ये शेकिंग इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये शेकिंग इस तरीके से कर रही होती है हॉरिजॉन्टल. तो मूवमेंट कुछ ऐसे है, केवल और केवल ऐसे, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में केवल मूवमेंट कर रहा होता है. दूसरी होती है जो रेले वेव है. रेले वेव का मतलब ये होता है जो इलिप्टिकल मोशन होती है, इलिप्टिकल, इलिप्टिकल मोशन. रेले वेव रोल्स अलोंग द ग्राउंड जस्ट एज अ वेव रोल अक्रॉस अ लेक और एन ओशियन, बिकॉज इट रोल्स, इट मूव्स, इट गियर अप, गियर डाउन, साइड टू साइड, मतलब हर डायरेक्शन में ये मूव कर रही होती है, ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरीके से. अभी हम लोग एक एनिमेशन के थ्रू भी देखेंगे कि क्या कुछ है, कैसे हम शेकिंग कर रहे हैं. मोस्ट ऑफ द शेकिंग फेल्ट फ्रॉम एन अर्थक्वेक इज ड्यू टू रेले वेव. इनफैक्ट आप ये बोल सकते हैं कि जो हम लोग इंटेंसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, वो इंटेंसिटी हमें इसी वेव के माध्यम से देखने को मिल रही होती है कि कितनी ज्यादा इंटेंस अर्थक्वेक आई हुई है. अब थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग वीडियो के माध्यम से, एनिमेशन के माध्यम से, ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए, समझ में आ जाए. तो ये देखिए बेसिकली पूरा का पूरा हमारा सिस्टम है, थोड़ा सा इसको प्ले कर लेते हैं. तो देखिए हमारा यहाँ पर फोकस दिया हुआ है, वेव फ्रंट्स बनाए गए हैं, फॉल्ट बनाए गए, एपिसेंटर बनाया गया है. अब यहाँ पर देखिए, दिस इज एपिसेंटर, हाइपोसेंटर जहां पर लिखा गया है बेसिकली वो एपिसेंटर है. क्रैक आप देख सकते हैं कि क्रैक चारों ओर फैल गया है, एक पेड़ के पास भी गया हुआ है, देख सकते हैं. बाकी आगे देखिए, क्रैक इस तरह से मूवमेंट कर रहा है. फॉल्ट के बारे में बता दिया, और जस्ट ऊपर परपेंडिकुलर एपिसेंटर के बारे में बता दे रहा है. कलर कोडिंग के हिसाब से आप देख सकते हैं कि वेव किस तरीके से प्रोपेगेट कर रही है. यहां पर देखिए पी वेव और एस वेव के बारे में बताया गया. पी वेव जैसे आप देख सकते हैं कि मूवमेंट इसका किस तरीके से है, सिंपल एक ही डायरेक्शन में देखिए मूव कर रहा है. और वही अगर बात करें एस वेव, तो देखिए कैसे शेक कर रहा है, जहां पर ये अप एंड डाउन आ रही होती है चीजें, तो अप एंड डाउन इस तरीके से मूवमेंट आ रही है. तो ये थी हमारी एनिमेशन के बेसिस पे, आपको समझ में आ गया होगा क्या चीज है. अब हम लोग जरा आते हैं और इनका यूज करते हैं अर्थ की स्टडी में, कि आखिर में कैसे क्या चीज हम लोग डिसाइड करेंगे, कौन सा क्रस्ट है, कौन सा मेंटल है, कौन सा कोर है. तो यहां पर बेसिकली स्टडी किया गया, और स्टडी के बेसिस पे हम लोग बहुत सारे सिस्मिक स्टेशन लगाए, और उस सिस्मिक स्टेशन के बेसिस पे हम लोगों ने जो भी अर्थक्वेक आई उसको हम लोगों ने रिकॉर्ड किया, और उस रिकॉर्ड करने के माध्यम से हम लोगों ने एक पैटर्न देखा. और वो पैटर्न क्या देखा, देखिए, तो सिस्मिक वेव गेट रिकॉर्डेड इन सिस्मोग्राफ लोकेटेड एट फार ऑफ लोकेशन.
डिफरेंस इन अराइवल टाइम, क्यों? क्योंकि अलग अलग समय लेगा बिकॉज ऑफ द सेकेंडरी वेव, वेव्स टेकिंग डिफरेंट पाथ देन एक्सपेक्टेड ड्यू टू रिफ्रैक्शन, एब्सेंस ऑफ द सिस्मिक वेव इन सर्टेन रीजन कॉल्ड एज शेडो जोन आफ्टर अलाउिंग मैपिंग ऑन अर्थ इंटीरियर. क्या चीज है अभी समझ में आएगा? डिसकंटिन्यूटी इन वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डेप्थ आर इंडिकेटिव ऑफ चेंजेस इन कंपोजिशन एंड डेंसिटी. दैट इज बाई ऑब्जर्विंग द चेंज इन वेलोसिटी द डेंसिटी कंपोजिशन ऑफ द अर्थ इंटीरियर कैन बी एस्टिमेटेड. क्या चीज है, कैसे है, इसको आप जरा समझने की कोशिश करते हैं. बेसिकली अब देखिए, यहां पर कुछ शेडो जोन वगैरह के बारे में बात किया गया. अभी हम लोग इसको जरा होल्ड पे रखते हैं और जरा पहले हम लोग फिगर में आ जाते हैं. अब देखिए, ये हमारा पी वेव शेडो जोन है. पहले इसको पी वेव के बारे में बात कर लेते हैं. पी वेव का मतलब क्या है, अब जरा यहां पर देखते हैं. अर्थक्वेक आई, अर्थक्वेक में दो वेव्स हैं. अभी हम लोगों ने देखा एक पी वेव होगी और दूसरी एस वेव होगी. क्या हमें ये बताइए, दूसरी वाली जो सरफेस वेव है, क्या उसके बारे में हमें डिस्कस करने की जरूरत है? क्या नहीं जरूरत है, क्योंकि हम लोग अर्थक्वेक को थोड़ी ना देख रहे हैं. हम लोग देख रहे हैं अर्थक्वेक के कारण अर्थक्वेक कहां आ रही है. तो हम लोगों ने क्या किया, इस तरीके से स्टेशन लगाए, सिस्मोग्राफी स्टेशन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. सिमिलरली यहां पर भी लगा है 1-2-3-4-5-6-7-8-. ठीक है, तो हम लोगों ने ये लगा लिया. हम लोगों ने बाकी और भी लगाया, यहां पर भी लगाया, इन सब जगहों पर भी लगाया हुआ है सिस्मोग्राफ. अब क्या हुआ, जब अर्थक्वेक आया तो अर्थक्वेक आने पे हमें इन सारे सिस्मोग्राफ स्टेशंस पे हमें रिकॉर्डिंग हुई कि हाँ अर्थक्वेक आया हुआ है. फोन करके सब एक दूसरे से पूछे कितना है, सब कुछ बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन यहां वाले लोग कहे कि यार मुझे तो मिला ही नहीं. इतने जो लोग थे, ये लोग कह रहे हैं कि मुझे यार फील नहीं हुआ अर्थक्वेक, यहां पर आया नहीं है, सिस्मोग्राफ में कुछ बता नहीं रहा है. यहां के जो लोग थे वो कह रहे थे कि यार 5:05 पे अगर आप लोगों के पास आया है तो हमारे पास 5:10 पे आया है, 5 मिनट की देरी से आया है. तो यहां पर लोगों को अब इनपुट मिलना शुरू हुआ कि आखिर में क्या चीज है. यहां पर बोला गया कि देखिए, अगर इन केस अर्थक्वेक यहां पर आया है, अगर यहां पर आया है तो ऑब्वियसली इन सारे स्टेशन पे जल्दी जल्दी मिल जाएगा. जल्दी जल्दी मिल जाएगा मतलब क्या है कि डिस्टेंस ट्रेवल ज्यादा जहां पर होगी वहीं पर इंटेंसिटी आपकी कम होती जाएगी, क्योंकि दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी. तो इस तरीके से हमें अलग अलग जगहों पर अलग अलग सिस्मोग्राफ मिलना शुरू हो जाएगा. वेलोसिटी अलग अलग हो जाएगी. क्यों वेलोसिटी अलग अलग हो जाएगी, क्योंकि हमारे पूरे पृथ्वी पर डेंसिटी डिफरेंशिएशन पाया जाता है, डेंसिटी डिफरेंशिएशन. और आप लोग पढ़े होंगे एक बार कि लाइट जो है, मान लेते हैं कि दिस इज रेयरर मीडियम एंड दिस इज डेंसर मीडियम, तो यहां पर क्या होता है, रिफ्रैक्शन के कारण से ये सीधे ना जा करके डेंसर के साइड इस तरीके से मूव कर जाती है. और हमें एक चीज पता है कि अगर मान लेते हैं दिस इज द अर्थ, मान लेते हैं ये अर्थ है, अगर यहां से कोई वेव निकल रही है, और हमें ये भी पता है कि अंदर के साइड में जाने पर डेंस होते जा रहा है, क्योंकि बाहर वाला क्रस्ट है, अंदर वाला कोर है, डेंस ज्यादा अंदर है. तो अंदर होगा क्या, मान लेते हैं कि ये लाइट पहुंची, अब ये क्या होगा, ये अंदर की ओर ऐसे रिफ्रैक्ट हो जाएगा, फिर अंदर की ओर और रिफ्रैक्ट हो जाएगा. तो इस तरीके से बेसिकली हमें इस तरीके से चीजें मिलती जाएंगी. तो बेसिकली अगर रिफ्रैक्शन अगर देखेंगे भी, इंसिडेंट लाइट ऐसे हो रही है, तो हमारी इस तरीके से मूवमेंट निकल जाएगा, और वही मूवमेंट हमें यहां पर देखने को भी मिल रहा होता है. तो ये बेसिकली हो जाता है रिफ्रैक्शन, या फिर बोल सकते हैं कि ये रिफ्रैक्शन जो है, दिस रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू वॉट, दिस इज ड्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिकॉज ऑफ द चेंज इन डेंसिटी. तो लगातार डेंसिटी डिफरेंशिएशन होते रह रहा है, ये चीज समझ में आ चुकी है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर में इन वाले इलाकों में, इन सब जगहों पे मिला क्यों नहीं कुछ, उसके पीछे जरा रीजन देखिए क्या चीज है. इन्होंने कहा कि देखिए, जो वेव अंदर की ओर गई है लेकिन बाहर नहीं निकली है, दैट मीन्स यहां पर अंदर कुछ एक ऐसा डेंसिटी में बड़ा चेंज आ रहा होगा, जिसके कारण से अगर लाइट ऐसी आ रही है तो वो पूरी तरीके से रिफ्रैक्ट कर जा रही है, वो बाहर निकल ही नहीं पा रही है. तो सिमिलरली वही चीज हुआ, अगर ये एक ऐसी लाइट जो जस्ट बाहर निकली हुई है, और जो लाइट जस्ट अंदर गई है वो पूरा का पूरा बेंड हो गई है बिकॉज ऑफ द डेंसिटी चेंज, और इस डेंसिटी चेंज के कारण से फिर एक बार मूवमेंट होगा, और अल्टीमेटली इस तरीके से हमें डेविएशन इन द पाथ ऑफ वेव देखने को मिल जा रहा होगा.
और इस कारण से यहां पर एक ऐसा जोन क्रिएट हो जाएगा जहां पर अर्थक्वेक कभी नहीं आएगा। सिमिलरली यहां पर भी आएगा जहां पर अर्थक्वेक कभी नहीं आएगा, एंड दिस इज द सिमेट्री। तो इस तरीके से लोगों ने बोला कि ओहो खेल ये है यहां पर कि यहां पर बीच में डेंसिटी डिफरेंशिएशन हमें देखने को मिल रहा है, डेंसिटी डिफरेंशिएशन। सिमिलरली इसी तरीके से एस वेव के साथ भी कहानी होती है। एस वेव में होता क्या है कि यहां पर हमें केवल और केवल इन स्टेशंस पे मिलती है, हमें जो हमारी इन स्टेशंस है यहीं पर केवल और केवल हमें एस वेव मिल रही होती हैं। तो आप जरा यहां पर देखिएगा कि क्या क्या फाइंडिंग्स आई हैं। पहली फाइंडिंग आई हुई है कि एस वेव जो है केवल और केवल कुछ ही जगहों पर मिली हुई है, ओनली एट सम स्टेशंस, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा फाइंडिंग हमें मिला है कि पी वेव, जो पी वेव है वो डिफरेंट टाइम पर मिली है, पहली फाइंडिंग है। दूसरी फाइंडिंग है कि जो पी वेव है वहां पर बीच में एक शैडो जोन भी मिल रहा है, शैडो जोन। तो हमारे पास बेसिकली तीन फाइंडिंग आ गई है। इस तीन फाइंडिंग से हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्या कुछ कंक्लूड कर सकते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। एस वेव में जहां जहां पर भी लाइट आई है या फिर कह सकते हैं जहां जहां तक वेव आई है वो सारा सरफेस सॉलिड होगा, दैट इज फॉर श्योर होगा। क्यों? क्योंकि एस वेव कैन ट्रेवल ओनली इन सॉलिड्स। तो यानी एक चीज समझ में आ गई है कि जो बाहरी सरफेस है वो सॉलिड है। तो जो बाहरी सरफेस कह सकते हैं या कुछ पॉइंट तक कह सकते हैं कि वो सॉलिड है जहां तक एस वेव ट्रेवल कर रही है। अंदर जैसे ही मूव कर रहा है अंदर वैसे ही 100% मटेरियल में चेंज हो रहा है। तो यहां पर हम लोग एक कॉलम बना लेते हैं और हम लोग सबसे ऊपर वाले लिख देते हैं कि दिस इज क्रस्ट एंड दिस इज सॉलिड, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर का मटेरियल जो भी है वो 100% श्योर है कि वो लिक्विड है, या तो लिक्विड है या फिर गैस है। सॉलिड से तुरंत गैस में कन्वर्ट हो नहीं सकता है क्योंकि बीच में ट्रांजिशन चाहिए, तो 100% श्योर हो गया कि ये एक लिक्विड ही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर पता चल गया चलो ठीक है मेंटल जो है वो लिक्विड में होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर अचानक से ये हुआ कि आखिर में बीच में कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप हो रहा है जिसके कारण से स्पीड भी चेंज हो रही है। डिफरेंट टाइम पे हमें मिल रहा है, शैडो जोन तो हम लोगों ने देख लिया मेंटल हो गया, डिफरेंट टाइम भी ले रही है। अब डिफरेंट टाइम लेने के कारण से क्या हुआ कि अंदर 100% कुछ ना कुछ ऐसा मटेरियल फिर से चेंज है जिसके कारण से हमारा बोल सकते हैं कि अंदर का मटेरियल फिर से एक सॉलिड है जिसको हम लोग कोर बोल रहे हैं। अब ये अंदर का मटेरियल क्या है फिर जरा ध्यान से सुनिएगा। जो भी पी वेव पे आते हैं, जो भी अंदर की ओर गई है यहां पर, ये वेव को बारे में जरा देखिएगा और इस वेव को जरा केवल देखिएगा और बाकी इस वेव को साइड में रखते हैं। ये वेव जो बीच में वेव जो मैं कलर मार दिया हूं, यहां पर जो टाइम लग रहा है वो 5:08 लग रहा है और जबकि बचा हुआ ये वाला जो टाइम है ये लग रहा है 5:10। ऐसा क्यों भाई, ये फाइंडिंग निकल के आई, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए इन्होंने कहा कि देखिए हो सकता है कि अंदर बीच में रास्ता हमें बढ़िया मिल रहा होगा। मतलब क्या चीज है जरा ध्यान से फिर से सुनते हैं। जैसे मान लेते हैं ये एक 10 किलोमीटर की दूरी है, इस 10 किलोमीटर में हमारा तीन पार्ट में एरिया डिवाइडर है। पहले हमें उबड़ खाबड़ मिल रहा है जहां पर केवल और केवल 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आप चल सकते हैं, इधर भी आप 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल सकते हैं, लेकिन बीच में आपको बढ़िया एकदम 4 लेन हाईवे मिल रही है जहां पर आप कुछ नहीं तो 150 किलोमीटर प्रति घंटा चला सकते हैं। अब आप क्या बताइए, ये 50-50 वाले को आपने कंपनसेट कर दिया, यहां पर जल्दी पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब दूसरा एक और रास्ता मिलता है जो पूरा का पूरा उबड़ खाबड़ है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से केवल चल पाएंगे, कौन पहुंचेगा पहले? ऑब्वियसली ये वाला पहले पहुंचेगा। क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये वाला सॉलिड है वेव के लिए, क्योंकि स्पीड सॉलिड में ज्यादा होती है और ये वाला पार्ट लिक्विड हो गया, ये वाला पार्ट लिक्विड हो गया, ये वाला पार्ट भी लिक्विड हो गया, यानी बीच में वापस से एक सॉलिड मटेरियल आ रहा होगा, इसीलिए वेलोसिटी ज्यादा तेज हो जा रही है जिसके कारण से जल्दी पहुंच जा रहा है। आइडिया लग गया क्या चीज है? तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो कोर है वो सॉलिड का बना हुआ है क्योंकि वहां पर स्पीड फास्ट हो जाएगी और टाइम कम लगेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया कि हमारा पी वेव जोन होता है, एस वेव जोन होता है, पी वेव की अपनी एक शैडो जोन होती है, जैसे कि हम लोगों ने देखा 140 डिग्री से 105 डिग्री इन दोनों के बीच में होता है, यहां पर भी 105 से 140 डिग्री होता है। सिमिलरली एस वेव के पास भी अपना एक जोन होगा, 105 डिग्री से 105 डिग्री इसके बियॉन्ड पूरा का पूरा एस वेव शैडो जोन रहेगा। क्लियर हो गया क्या चीज है? अब देखिए जरा फाइंडिंग के बारे में पढ़ लेते हैं वापस से। अब यहां पर हमारी पूरी फाइंडिंग है, जब जहां पर बात की हम लोग, सिस्मिक वेव गेट रिकॉर्डेड इन सिस्मोग्राफ लोकेटेड एट फार लोकेशन, डिफरेंस इन अराइवल टाइम,
वेव टेकिंग प्लेस पाथ देन एक्सपेक्टेड और ये सब चीजें, डिसकंटिन्यूटी इन वेलोसिटी जो भी आती है एज अ फंक्शन ऑफ डेप्थ आर इंडिकेटिव ऑफ चेंज इन कंपोजिशन एंड डेंसिटी. तो ये कंपोजिशन और डेंसिटी में चेंज अल्टीमेटली क्रस्ट मेंटल और कोर के बारे में बता दे रहा होता है. दैट इज वाई बाय ऑब्जर्विंग द चेंजेस इन वेलोसिटी डेंसिटी एंड कंपोजिशन ऑफ द अर्थ इंटीरियर कैन बी एस्टिमेटेड, क्या चीजें अंदर बता सकते हैं. डिसकंटिन्यूटी इन वेव मोशन एज अ फंक्शन ऑफ डेप्थ एज इंडिकेटिव चेंज इन फेज, दैट इज बाई ऑब्जर्विंग द चेंज इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेव द इमर्जेंस ऑफ शैडो ऑन डिफरेंट लेयर कैन बी आइडेंटिफाइड. क्लियर. शैडो जोन के बारे में अगर बात करें तो शैडो जोन एस वेव डू नॉट ट्रेवल थ्रू लिक्विड एंड दैट इज वाई यहां पर शैडो जोन हमें देखने को मिल जाता है बियॉन्ड 105 डिग्री, बियॉन्ड 105 डिग्री. द इंटायर जोन बियॉन्ड 105 डिग्री डज नॉट रिसीव एस वेव एंड हेंस दिस जोन इज आइडेंटिफाइड एज एस शैडो वेव एंड दिस ऑब्जर्वेशन लेड टू डिस्कवरी ऑफ लिक्विड आउटर कोर या फिर बोल सकते हैं मेंटल, या आप यहां पर कह सकते हैं मेंटल भी. द शैडो जोन ऑफ पी वेव अपीयर एज बैंड अराउंड द अर्थ 105 टू 140 अवे द एपिसेंटर. दिस इज बिकॉज पी वेव्स आर रिफ्रैक्टेड व्हेन दे पास थ्रू द ट्रांजिशन बिटवीन द सेमी सॉलिड मेंटल एंड लिक्विड कोर. हाउ आर द सिस्मोग्राफ लोकेटेड बियॉन्ड 140 डिग्री फ्रॉम द एपिसेंटर रिकॉर्ड द अराइवल ऑफ पी वेव बट नॉट द एस वेव. तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरा का पूरा सिस्टम डिस्कस कर लिया क्या चीज है. क्लियर हो गया. अब थोड़ा सा एक वीडियो के माध्यम से भी आप देख लीजिए कि क्या सिस्टम है, आपको अच्छे से और क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या कुछ कैसे कैसे हो रहा है. देखिए पिक्चर का अलग फील होती है, समझने का अलग फील होता है. अब यहां पर जब आप देखेंगे तो बेसिकली पी वेव और एस वेव के बारे में बात की जा रही है. यहां पर देखिए डिफरेंट कलर से दिखाया जा रहा है क्या कुछ है. अलग अलग समय पर अलग अलग चीजें मूव कर रही है. ये तो खैर ऐसे ही बस आपको दिखाया जा रहा है. अब यहां पर जरा देखिएगा पी वेव के बारे में सबसे पहले बात कर रहे हैं. पी वेव अपना आ रहा है और ये देखिए एस वेव अपना शेडो जोन बना के रखा हुआ है क्योंकि अंदर लिक्विड है. अब जब एक साथ दोनों आएंगे तो उसके बारे में क्या होगा उसको जरा देखिएगा. तो ये फिलहाल पी वेव पाथवे बता रहा है कि पी वेव कैसे मूव कर रही है. अब जरा स्पीड को देखिएगा, जो अंदर स्पीड आई है किस तरीके से मूव कर रही है और यही स्पीड हम लोग बेसिकली डिस्कस कर रहे थे. बीच वाले पार्ट को जरा देखिएगा, बीच वाले पार्ट को स्पीड कितनी तेज होती आ रही है जबकि साइड वालों की स्पीड कम है. तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि हमारा पी वेव शैडो जोन भी बन गया, क्रस्ट मेंटल कोर के बारे में हमें पता चल गया कि कैसे क्या क्या हो रहा है. बस हमें क्लैरिटी नहीं आ रही थी कि आखिर में कौन सा लिक्विड कौन सा गैस कौन सा क्या होगा और वो हमें एस वेव बता दे रही होती है. तो एस वेव के बारे में देखिए, एक वेव जनरेट हुई, मूवमेंट स्टार्ट हुआ, लिक्विड होने के कारण से अंदर नहीं जा सका, केवल और केवल सरफेशियली बाहर निकलता गया और इस तरीके से हमें मूवमेंट देखने को मिल रही है अलग अलग समय पर अलग अलग इंटेंसिटी अलग अलग जगहों. क्लियर हो गया. जब पी और एस दोनों एक साथ मूव करेंगे तो क्या होगा, अब ये आपको आगे दिखाया जाएगा. तो इसको आगे फटाफट देख लेते हैं क्या चीज है. अब देखिए पी और एस वेव, पी की स्पीड एस की स्पीड जरा देखिएगा, गौर करिएगा क्या चीज है. पहले कौन पहुंच रही है, पी पहुंच रही है. यानी पी से हमें एक अंदाज लगा सकते हैं कि अर्थक्वेक आने वाला है, भाई तैयार हो जाओ. जो कुछ लोग बोलते हैं ना कि अर्थक्वेक आएगा कल आएगा परसों आएगा, वो सब झूठ बोलते हैं. ऐसा कोई भी किसी ग्रंथ किसी महाकाव्य कहीं पर भी कुछ नहीं लिखा हुआ है. जब तक पी वेव रिसीव नहीं होगा तब तक एस वेव के बारे में आप बता नहीं सकते हैं. तो पी वेव और एस वेव को आने में बहुत ही माइन्यूट सा टाइम मिलता है, मतलब समझ लीजिए आधा घंटा एक घंटा ये मिलता है और इसी दौरान में हमें पूरे एरिया को इवैक्यूएट कराना पड़ता है, पूरे एरिया को हटाना पड़ता है. अदरवाइज हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है, डिजास्ट्रस हो सकता है. तो इस तरीके से पूरा का पूरा पी वेव और एस वेव हम लोगों ने डिस्कस किया, क्रस्ट मेंटल कोर के डिस्कशन किया, इंटीरियर का स्टडी कर लिया. तो ये हमारी पूरी क्लैरिटी हो गई क्या चीज है. अगर आपको कोई डाउट होता है तो टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उसको ज्वाइन करके अपने डाउट को रेज करिए और हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपने नए कुछ टॉपिक के साथ. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच.